everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ प्रियंका शर्मा. I hope you all are doing great. So guys, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ my Myntra sweater collection. वैसे तो मैंने Myntra से बहुत सारी स्वेटर्स ली हैं, लेकिन कईयों के लिंक मेरे पास नहीं है. तो जितनी भी ऐसी स्वेटर्स हैं जिनके मेरे पास लिंक भी हैं और जो स्टॉक में भी हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब ही यही है, अगर आपको इनमें से कोई भी स्वेटर पसंद आती है तो आप लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकती हैं. तो अगर मैं लिंक ही नहीं दूंगी और आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक होंगी तो क्या ही फायदा, राइट? तो जितनी भी ऐसी स्वेटर्स हैं जिनके मेरे पास लिंक हैं और जो स्टॉक में भी हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो विद वन ऑफ माई फेवरेट पुलओवर, और इसके फेवरेट होने के बहुत सारे रीजन हैं. पहला, इसका कलर है मरून और मुझे मरून कलर बहुत ज्यादा पसंद है. सेकंड, इसकी टर्टल नेक है और टर्टल नेक वाले स्वेटर्स पुलओवर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. सर्दियों में काफी कोजी सा फील होता है, तो तभी मुझे ये पुलओवर बहुत ज्यादा पसंद है. और इसका स्टाइल भी बहुत ही यूनिक है. जिस तरह से शॉर्ट कुर्तीज होती हैं, उसी तरह का स्टाइल है इसका, बट नीचे से ये राउंड शेप में है, तो इसका स्टाइल भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है. और मैंने ये पुलओवर काफी पहले लिया था और इसकी क्वालिटी में मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगा. जब मैंने ये लिया था तब से लेकर आज तक मुझे एज इट इज मतलब सेम ही लगता है. मैंने बहुत बार इसे वॉश भी कर लिया है, ना तो इसका कलर चेंज हुआ है, ना तो इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस आया है, तो तब भी मुझे ये पुलओवर बहुत ज्यादा पसंद है. सो इसकी ब्रांड का नाम है रोडस्टर और मैंने इसे अराउंड 600 में लिया था, बट आजकल इसका प्राइस है 747. सो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, जब भी आपको लगे कि थोड़ा सस्ता हो गया है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं. इसका मटेरियल है एक्राइलिक, फुल स्लीव्स हैं और स्लीव्स पर आपको ये इस तरह का व्हाइट बॉर्डर भी मिलता है. और एक और मजेदार बात है कि इसमें और भी बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो अगर आपको कोई और कलर पसंद है, आप मरून कलर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अपनी पसंद का कलर चूज कर सकते हैं. और इस पुलओवर में आप अंदर से लेयरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टर्टल नेक है तो यहां वहां से कुछ भी दिखने का कोई चांस ही नहीं होता. और इसका ये थोड़ा ढीला ढीला भी है, इसका स्टाइल इसी तरह से है. सो अगर बहुत ज्यादा ठंड होती है, आप अंदर से इसमें लेयरिंग भी कर सकते हैं. तो ये पुलओवर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. इसका स्टाइल, इसका कलर, इसका मटेरियल, सब कुछ 10/10 है. तो अगर आपको सर्दियों में ठंड से बचना है और साथ ही आपको थोड़ा सा यूनिक स्टाइल भी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल चाहिए, तो ये पुलओवर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है. सो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट अप इज दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिंक स्वेटर. इसकी ब्रांड का नाम है रोडस्टर और मैंने ये स्वेटर कितने में ली थी वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आजकल इसका प्राइस है 719 रुपीज. और इसमें भी मैंने स्मॉल साइज लिया था और इसका भी साइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट है. और इसका भी मटेरियल एक्राइलिक है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है. स्वेटर्स में मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए होता है. जो नॉर्मल स्वेटर्स होते हैं ना, उन्हें पहनना मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है. तो या तो नेक थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, टर्टल नेक होनी चाहिए या वी नेक होनी चाहिए. वी नेक वाले स्वेटर्स भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है और टर्टल नेक भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. या स्लीव में कुछ होना चाहिए, तो उस मामले में ये स्वेटर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि एक तो इसकी टर्टल नेक है और बलून स्लीव्स हैं इसकी. आगे से ये बहुत ही ज्यादा टाइट है और पीछे से काफी ज्यादा ढीली है. और जिस तरह का पैपलम टॉप होता है ना, सेम उसी तरह का स्टाइल है इसका. तो ये स्वेटर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और इसमें आपको और भी बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं. इसमें व्हाइट कलर भी है. एक्चुअली जब मैंने ये स्वेटर देखी थी तो मुझे इसका व्हाइट कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, बट उस टाइम पर व्हाइट कलर आउट ऑफ स्टॉक था. आजकल स्टॉक में है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं. तो इसमें आपको व्हाइट कलर, ग्रीन और ब्लू कलर भी आपको इसमें मिल जाएगा. तो जो भी आपको कलर पसंद है, आप वो चूज करके परचेज कर सकते हैं. ये स्वेटर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. इसका स्टाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है. और इसका मटेरियल बहुत ज्यादा थिक है. जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जैसे मिड दिसंबर से काफी ठंड हो जाती है, जनवरी में काफी ठंड होती है, तो तब भी आप ये स्वेटर पहन सकते हैं, आपको बिल्कुल भी ठंड फील नहीं होती है. नेक्स्ट अप इज दिस ब्यूटीफुल ग्रे स्वेटर. इसकी ब्रांड का नाम है मास्ट एंड हार्बर और मैंने इसमें भी स्मॉल साइज लिया है और इसका भी साइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट है. और आजकल इसका प्राइस है 683 रुपीज. एक्राइलिक मटेरियल है इसका और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है. राउंड नेक है और इसकी स्लीव्स मुझे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं. इसकी स्लीव्स पर इस तरह से फ्रिल्स बनी हुई हैं, जो इस स्वेटर को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक बनाती हैं. सो ये स्वेटर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसे मैंने बहुत ज्यादा ठंड में भी पहना हुआ है.
काफी थिक मटेरियल है इसका जो आपको सर्दियों से भी बचाता है। और इसमें आपको एक और कलर भी मिलता है, इसमें ऑरेंज कलर भी है, तो अगर आपको ऑरेंज पसंद है तो आप ऑरेंज ले सकते हैं, अगर ग्रे पसंद है तो ग्रे ले सकते हैं। तो इस स्वेटर का स्टाइल, इसका मटेरियल, इसका कलर, सब कुछ मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसे मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ और बहुत बार वॉश भी कर चुकी हूँ। और इसकी भी क्वालिटी में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया है। जैसे मैंने ये स्वेटर परचेज की थी, ये सेम टू सेम वैसी ही है। ना तो इस पर कोई लिंक बॉल्स आए हैं, ना तो ये लूज हो जाती है स्वेटर्स, बट ये स्वेटर ना तो लूज हुई ना तो इस पर लिंक बॉल्स आई। तो ये स्वेटर भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट अप इज दिस पिंक बोट नेक स्वेटर एंड इट्स कमिंग फ्रॉम ब्रांड ब्रेस्पेरी और मैंने इसमें स्मॉल साइज लिया है और इसका स्मॉल साइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मटेरियल है पॉलीएस्टर और मैंने इसे परचेज किया है 479 रुपीज में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसकी बोट नेक है। आपको राउंड नेक वाले स्वेटर्स मिल जाते हैं, टर्टल या हाई नेक वाले स्वेटर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन बोट नेक वाले स्वेटर्स बहुत कम होते हैं। इसीलिए मैंने ये स्वेटर ऑर्डर की थी, मुझे लगा था कि थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बाकी के स्वेटर से थोड़ी सी ये डिफरेंट होगी, बट इसकी बोट नेक कब राउंड नेक बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है, तो थोड़ी ही देर में जो नेक है ना वो राउंड नेक की ही तरह दिखती है। बट इसका मटेरियल काफी सॉफ्ट है और साथ ही बहुत ही ज्यादा थिक भी है और इसका कलर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो लॉन्ग स्लीव्स आपको इसके साथ मिलती है और फ्रंट साइड पर आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन भी आपको इसमें मिलता है और बैक साइड से ये बिल्कुल प्लेन है। तो ये स्वेटर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसका मटेरियल काफी थिक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। और अगर इसकी बोट नेक ही रहती ना तो और भी ज्यादा अच्छी लगती। तो ये स्वेटर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है और इसके बाहर आप जैकेट भी पहन सकते हैं और सर्दियों से भी बच सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट अप इज दिस बीच एंड ब्लैक क्रॉप कार्डिगन। ये कार्डिगन भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसे मैंने लास्ट ईयर मिंत्रा से परचेज किया था और जब मैंने ये परचेज किया था इसका प्राइस कितना था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आजकल इसका प्राइस है 939, आई मीन इसके अराउंड आपको ये मिल जाएगा। इसकी ब्रांड का नाम है सेसेफ्रास और मैंने इसमें स्मॉल साइज लिया है जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट है और इसका मटेरियल है एक्राइलिक। इस पर जो एनिमल प्रिंट हुआ है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और इसमें आपको एक और भी कलर मिलता है, इसमें पिंक कलर भी है, पिंक और ब्लैक, बट मुझे ये वाला ज्यादा पसंद आया इसलिए मैंने ये परचेज किया। फ्रंट साइड पर इसमें आपको तीन बटन्स मिल जाते हैं और लॉन्ग स्लीव्स हैं इसकी और पफ स्लीव्स हैं और इसमें भी आप अंदर से लेयरिंग कर सकते हैं, इससे आप ठंड से भी बच जाएंगे और स्टाइल भी आपको थोड़ा सा यूनिक मिलेगा। तो ये कार्डिगन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसका मटेरियल भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और सबसे ज्यादा इस पर जो प्रिंट हुआ है ना ये ब्लैक और बीच कलर का कॉम्बिनेशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दिस वेरी ब्यूटीफुल ब्लू क्रॉप पुलओवर। ये पुलओवर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड इट्स कमिंग फ्रॉम ब्रांड रोडस्टर। रोडस्टर की टी शर्ट, स्वेटर्स, पुलओवर्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो अफोर्डेबल होते हैं और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है और ये थोड़े से यूनिक भी होते हैं। जैसे जितनी भी स्वेटर्स मैंने आज आपके साथ रोडस्टर की शेयर की उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट इन्होंने डाला होता है, चाहे स्लीव्स डिफरेंट है या कुछ ना कुछ मतलब यूनिक सा होता है। तो ये पुलओवर भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मैंने इसमें लिया है स्मॉल साइज और इसका स्मॉल साइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट है और इसका भी मटेरियल एक्राइलिक है और काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। राउंड नेक है इसकी और लॉन्ग पफ स्लीव्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लगा और इसमें आपको एक और कलर भी मिल जाता है, बट इस स्वेटर को आप बहुत ज्यादा जो गंदे वाली ठंड होती है ना दिसंबर जनवरी वाली उसमें आप ये स्वेटर नहीं पहन सकते हैं क्योंकि एक तो ये क्रॉप्ड है और थोड़ा सा इसका स्टाइल इस तरह का है कि ये थोड़ा सा लूज है और इसके बाहर भी आप कुछ नहीं पहन सकते हैं क्योंकि इसकी स्लीव्स इस तरह की काफी लूज स्लीव्स हैं, पफ स्लीव्स हैं तो पीछे से काफी लूज हैं, तो जब आप इसे किसी जैकेट या किसी और चीज के साथ पहनते हैं तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है जो कि देखने में बहुत ही अजीब लगती है। तो बहुत ज्यादा ठंड में आप ये पुलओवर नहीं पहन सकते हैं, लेकिन अगर बाहर धूप लगी है, आपको एक दो घंटों के लिए कहीं जाना है, तब आप ये पहन सकते हैं क्योंकि इसका स्टाइल भी बहुत ही अच्छा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर जब मैंने इसे परचेज किया था तो इसका प्राइस 700 समथिंग था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और आजकल इसका प्राइस है 659 रुपीज। तो अगर आपको इस तरह के क्रॉप पुलओवर पहनना अच्छा लगता है तो आप ये डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसका स्टाइल, इसका कलर, इसका मटेरियल, मुझे हर चीज बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस video. If you did, then please give it a big thumbs up and share it with your family and friends. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I'll see you in my next one. Tab tak ke liye, bye bye and take care.